ग्राम अमजेरा एक प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी जो आज भी एक रमणीय स्थल है। अमर शहीद महाराणा बख्तावर सिंह की इस प्राचीन नगरी को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। विंध्याचल की तलहटी में बसी यह नगरी चहुओर हरियाली से आच्छादित है और बहती ठंडी हवा मन को प्रसन्न कर देती है। प्राचीन मंदिर एवं खंडहर हुए महल इस नगरी की ऐतिहासिकता एवं धार्मिक महत्व को प्रदर्शित करते हैं। गांव के हर तरफ मंदिर या प्राचीन इमारत आपको दिखाई देगी। अब हम आपका परिचय मालवा के सबसे सुंदर एवं रमणीय स्थल से कराते हैं, जो कि प्रचार की कमी के कारण बाहरी लोगों की पहुंच से दूर रहा है। इस सीढ़ी के निर्माण का मुख्य कारण ही यही रहा है कि अब तक जो उदासीनता इस ग्राम के प्रति लोगों में रही, उसे दूर करें और आम लोगों में गांव के प्रति आकर्षण पैदा करें। और प्रकृति ने इस गांव को जो वरदान दिया है, उसे हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। अब हम आपको उस पवित्र स्थल का दर्शन कराते हैं जो मां अम्का झमका का आंगन है। इसी आंगन से भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी को हरण करके ले गए थे। मां अम्का झमका का दरबार ऐसा सच्चा दरबार है जहां हर मनोकामनाएं पूरी होती है। सदियों से विद्यमान इन मंदिरों की अपनी अलग ही महिमा है। और अब आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये है गुफा में विराजित भगवान शिव। सदियों से इस शिवलिंग का पहाड़ी से बूंद बूंद कर गिरते हुए जल से अभिषेक हो रहा है। इस गुफा के दर्शन मात्र से मन अभिभूत हो जाता है। कहा जाता है कि यह गुफा ग्राम अमजेरा से मांडो तक जाती है। ग्राम अमजेरा धार जिले में स्थित है तथा इंदौर से 90 तथा धार से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। आशा है सभी भक्तगण इस धार्मिक स्थल का दर्शन करने अवश्य आएंगे। डॉक्टर कैलाश सोनी के नेतृत्व में उत्साही एवं परिश्रमी युवकों ने ग्राम अमजेरा का परिचय आम लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उसी के तहत इस सीढ़ी का निर्माण किया गया है ताकि व्यक्ति यहाँ की पौराणिक एवं धार्मिक महत्व को समझ सके। सर्वप्रथम मैं मां अम्का झमका सेवा समिति की ओर से समस्त ग्राम वासी का आभारी हूँ और माताएं, बहनें और छोटी छोटी बालिकाएं जिन्होंने इस यात्रा में इतनी मेहनत करके सुबह से शाम तक कलश यात्रा में सहयोग दिया, इतनी मेहनत करी। हमारी गाँव की बहनों ने विशेष तौर से इसमें सहयोग कर इस समिति को और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों को, माताओं को, बहनों को, समस्त यहाँ की जनता को और हमारे समिति के कार्यकर्ताओं को सबको प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जब भी कभी माता सेवा समिति का कोई कार्यक्रम हो, आप सहयोग करें, ये अपेक्षा है। आपको पुनः कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। समिति की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।